बोलिए लाडली लाल की। ऐसे अपमानित करके मुक्ति को वो भक्त कह रहा है, दूरे रहो दूरे रहो। अरे महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए आई हूँ। सेवा? अरे राम राम राम, तुम्हारी सेवा लूंगा तो मेरा द्वैत रस ही भंग हो जाएगा। कृपा करो, खबरदार इस एरिया में नहीं आना हमारे। अब वो चार प्रकार की मुक्ति चली, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि, सालोक्य। मैं तो द्वैत वाली हूँ, महाराज मुझे स्वीकार कर लो। लो लो लो, फिर तो मेरे मोह प्रेम में कलंक लग जाएगा। कामना का, कामना का, हम ये चाहते हैं। अगर प्रियतम से कुछ भी चाह लिया तो कलंकित हो गया प्रेम, प्रेम के उज्जवल वस्त्र में धब्बा लग गया। मुझे ये मुक्तियां भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं मत चाहो, हम दे देते हैं ऐसे ही। अरे दे दो तुम्हारी इच्छा, न दो मत दो। निरहे पिनश्चाचेतोलिबत, नरक में बांट दे दो, कुत्ते बिल्ली के गधे के योनियों में डाल दो, बस तुम्हारी भक्ति हमारे पास रहे। फिर कोई शरीर हमारा क्या बिगाड़ेगा, और अच्छा है। आज हम मनुष्य बन करके आपको खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर हम कोयल बन जाएंगे तो कोयल बन करके कूकते हुए आपको सुख देंगे। यानी हम जहां भी जाएंगे, जब भक्ति रहेगी तो आपके सुख की कामना भी रहेगी। एक स्त्री, एक प्रेयसी अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए नई नई ड्रेस पहनती है, नई नई साड़ियां पहनती है, अनेक प्रकार की मैचिंग करती है। अच्छा थोड़े ही एक ही कपड़ा पहने रहे पूरी लाइफ। ऐसे ही 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं हम लोगों के पास, तो आप जहां चाहे वहां भेज दीजिए, हमको एतराज नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं भाई कहीं भी भेज दे, लेकिन माया का बंधन तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि माँ में वो जे प्रपद्यंते माया में ताम तरंत जे के कानून को तुमने मान लिया, तो माया से तो मुक्ति करनी पड़ेगी। शरीर धारण करो तो, न धारण करो तो, चाहे माइक शरीर धारण करके और मुक्त हो करके भक्ति का रस लो, और चाहे गोलोक में दिव्य शरीर धारण करके और मुक्त हो करके प्रेमानंद का रस लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। देखने का फर्क है, एक आदमी देखता है काग भुसुंडी, एक काग भुसुंडी है, हाँ ये बहुत बड़े महापुरुष है, हाँ, लेकिन कौआ है, कौआ गंदा पाखाने पे बैठता है कौआ। अरे गधे कौआ मत देख। ये कौआ वही रस पाता है जो सनकादिक, सुकादिक, व्यासादिक, नारदादिक पाते हैं, उसी रस में विभोर है। ये तुम्हारी आंख से कौआ दिखता है। तो मुक्ति दे देते हैं भगवान, देना पड़ता है शरणागत को ही तो मुक्ति देते हैं। ज्ञानी को भी तभी मुक्ति देते हैं जब वो शरणागत होता है, योगी को भी तभी मुक्ति मिलती है जब शरणागत होता है, और कर्मी को भी तभी मुक्ति मिलती है जब शरणागत होता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि कोई कर्मी किसी कर्म से मुक्त हो जाए बिना श्री कृष्ण की शरणागति के, इम्पॉसिबल। कोई योगी मुक्त हो जाए असंभव, कोई ज्ञानी मुक्त हो जाए असंभव, वो सब लिमिटेड पावर है। एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ दोनों जा रहे थे तत्व विमर्श करते हुए, तो मरुस्थल में पहुंचे, राजस्थान में, रेगिस्तान में। प्यास लगी दोनों को, उन्होंने कहा अरे भाई कहीं पानी का हिसाब बैठाना चाहिए। तो दिखाई पड़ा एक कुआं है, लेकिन बहुत गहरा कुआं था। तो ज्ञानेश्वर योग मार्गी थे, उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूं पी लेता हूं पानी,
उन्होंने अपने शरीर को समेटा, हल्का किया और घुस गए कुएं के नीचे, ठाट से पानी पी के फिर ऊपर आ गए, खड़े हो गए और एक नाथ से कहा, भाई तुम क्या करोगे? हाँ भाई, तुम तो योग वोग सीखे नहीं कुछ, हो बस राधे राधे करते हो। इतने में वो क्या देखते हैं, उनके ऐसा कहते ही वो नीचे का जो पानी 150-200 फुट नीचे था वो आकर के ऊपर लबालब भर गया कुएं में। तो एक नाथ के आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, महाराज आपने क्यों कष्ट किया? ये भक्त की सिद्धि है, बिना मांगे भगवान पीछे लगे हैं उसको सिद्धि का काम लाभ देने के लिए।